विधानसभा में सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को बॉर्डर खोलने को लेकर दिए अपने वक्तव्य में कहा कि सभी गतिविधियों को निर्विघ्न चलाने के लिए आवश्यक हो गया था कि प्रदेश की सीमाओं को खोला जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 5 नए मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जाएंगे, जो मरीजों के प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगे। मॉनसून सत्र के 8वें दिन बुधवार को शोकोद्गार के बाद आधे घंटे तक सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली। इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री का वक्तव्य होना था, उस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बॉर्डर खोलने के मामले को लेकर अपनी बात रखने का समय मांगा और उसी पर अड़े रहे। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना की वजह से एक मौत हुई थी तो हिमाचल प्रदेश को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कई मौतें हो गई हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पहुंच गया है। ऐसे में सब कुछ खोल दिया गया है, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और प्रदेश की जनता को अब राम भरोसे छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने कैग रिपोर्ट की किताबें भी विपक्ष को ना देने का विरोध जताया और कहा कि सरकार ने इन किताबों को कहीं गोल कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट की किताबें सभी विधायकों को मुहैया करवाई जानी चाहिए। नहीं देखिए, एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कोविड को निपटने में विफल रही हैं और इसके लिए जो है कोई सही रणनीति जो है बन नहीं पाई, और इसलिए हमने कहा था सरकार इस मसले पे कंफ्यूज है और वो सामने आ ही गया है। अब 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं, तो अब इन्होंने खोला है। अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। पहले लगता था कि जयराम सरकार के भरोसे जनता होगी, अब ये हो गया है कि राम भरोसे है जनता, और क्या होगा आने वाले समय में ये देखने की बात है। अब ये तय हो गया कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसको रोकना आप सब अपना अपना ख्याल रखो। इसलिए हिमाचल की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप सरकार पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, अपना ख्याल खुद रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कोविड 19 की वजह से आज भी प्रदेश में बॉर्डर बंद रखे गए थे, लेकिन अब बॉर्डर खोलना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया जाता था ताकि व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का भी पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को परेशानी पेश आ रही थी और अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर खुलने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के बार बार अनुरोध करने के कारण कई वर्गों की मांग व सभी आर्थिक गतिविधियों को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब तुरंत प्रभाव से खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ICMR व भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोविड 19 मरीजों की डिस्चार्ज पॉलिसी हर राज्य द्वारा फॉलो की जा रही है, पर हिमाचल में ये पॉलिसी अभी अलग थी। प्रदेश में 10 दिनों के बाद कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मरीज को घर भेजा जाता था, लेकिन अब प्रदेश में भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन तक व्यक्ति में लक्षण नहीं आते हैं तो उसका टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, उसे 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेजना होगा और रोगी इस अवधि के बाद नॉन इफेक्टिव होता है, यानी वे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाता। इसलिए ICMR द्वारा निर्धारित नीति अब प्रदेश में भी अपनाई जाएगी। देखिए, एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का दिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया, कहा कि आने जाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, रोका जाता है वो उस फॉर्मेलिटी में। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी इस बात के लिए आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया जाए, तो हमने वो कर दिया, पिछले कल कर दिया। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि जो लोगों का जो सुझाव था उस दृष्टि से हमने उसको
पूरा कर लिया है। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत इन दिनों में है, क्योंकि पूरे देश में, सारे प्रदेश में और हिमाचल में भी मामले पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दूसरा हमने एक चीज़ ये की है कि जो जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन आई है और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इफ़ एट ऑल वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जाकर के आराम करे और उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि 3 दिन तक उसके जो है उसको जो है बुखार या सिम्टम कोई इस प्रकार के नहीं होने चाहिए तो उसको छोड़ दिया जा सकता है, वो जा सकता है और अपने घर में जा करके होम आइसोलेशन में रह करके आराम कर सकता है। नहीं, क्वारंटीन हमने रखा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अब क्वारंटीन करेंगे, और इसमें कोशिश यही करेंगे कि भाई क्वारंटीन का जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ खास तौर से जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि वो बल्क में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं और एक जगह से आते हैं कई बार, तो उनको, उनके लिए सारी चीज़ को लेकर के एक बार टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए मैंने कह दिया कि उसमें रजिस्ट्रेशन खत्म है, लेकिन इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमने शुरू नहीं की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर CSIR के माध्यम से 5 स्थानों पर मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। ये अस्पताल शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना व नाहन में बनाए जाएंगे। शुरुआत में ये 50 बिस्तर वाले होंगे और सभी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। ये अस्पताल मरीजों के प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगे। मामले बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हमने तैयारी की दृष्टि से एक शुरुआत की है कि जो हमारे पास कैपेसिटी है अभी तक तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मामले में बढ़ोतरी होती है और बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा होती है, उस सूरत में हमने 5 जगह हिमाचल प्रदेश में मेकशिफ्ट यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके जो है वो कोविड के लिए पेशेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, आइसोलेशन के लिए इंतज़ाम करने के लिए कहा है, और वो कैपेसिटी लगभग 250 के लगभग होगी और उसमें सारी सुविधा होगी जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको ये करने के लिए। उसमें एक IGMC है, उसके साथ साथ में सोलन में भी हमने इसमें सोचा है, टाटा में भी सोचा है, 3 जगह तो ये आइडेंटिफाई की है, और इसके अलावा बात एक 2 जगह की और आ रही, ऊना और नाहन में, 5 जगह इस प्रकार से ये व्यवस्था करने की सोची है। दूसरा जो आज हाउस में हमने पूरा सारी चीज़ को लिए जो बात कही है, विशेष तौर से होम आइसोलेशन वो इम्पॉर्टेंट है। पूरे देश के सभी प्रदेशों ने अब होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दी जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग अभी तक हम देख रहे हैं कि 45% जो है पेशेंट जो पॉजिटिव है उन्होंने अपने आप स्वयं आग्रह भी किया और कहा कि हमको होम आइसोलेशन में रहने दीजिए, हम घर में ही रहना चाहते हैं, घर में ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ऐसे मामले में पर्टिकुलरली जो जिनको सिम्टम्स नहीं हैं तो अपने घर में वो अपना ट्रीटमेंट करें और जो नियम है, सावधानियां हैं उस पर उसका पालन करें, और उससे मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने घर में रहना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है तो वो भी उनको उचित रहेगा, और दूसरा ये भी रहेगा कि सरकार जो है फोकस करके सिर्फ उन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ये करेगी जो उम्रदराज हैं, जो किसी बीमारी से पहले ही ग्रसित हैं और वो सिम्टम्स उनको हैं, ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी जान बचाना वो प्राथमिकता इस वक्त है। जो एसिम्टोमेटिक है यानी कि जिनको सिम्टम्स नहीं हैं वो होम आइसोलेशन में रहें तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, उनके लिए भी उचित रहता है, और उसके साथ साथ में जो हॉस्पिटल का जो लोड है उस लोड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने की परिस्थिति में होंगे। ऑलरेडी 45% जो है वो होम आइसोलेशन में अब लोग रह रहे हैं। इसके लिए मैंने सभी माननीय सदस्यों से भी इस बात के लिए आग्रह किया कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में जा करके
लोगों के बीच में कि कोविड का पेशेंट है तो उससे घर से उसको ले जाना, गांव से बाहर निकालना ये आवश्यक नहीं है। घर में रह करके भी ट्रीटमेंट उनका किया जा सकता है। घर में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की टीम वो उपस्थित रहेगी। ये एक आग्रह हमने विशेष तौर से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज से संबंधित नई नीति का अनुमोदन भी किया है। इसके अनुसार मुख्यतः प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज तभी खोले जाएंगे अगर उस संस्थान का अपना कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल हो। भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप GNM कोर्स को 2021-22 के सेशन से बंद किया जाएगा और पुराने संस्थानों को इस कोर्स को BSc नर्सिंग में बदलने के आवेदन करना होगा। ऐसे संस्थानों को खोलने के लिए पात्रता में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉलेजेस को अलग अलग कोर्स के लिए सीटों की वृद्धि आदि का सशर्त अनुमोदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि MSc के अलावा किसी और कोर्स के लिए किसी भी मौजूदा कॉलेज को सरकारी अस्पताल के साथ फ्रेश अटैचमेंट नहीं दी जाएगी, हालांकि पहले दी गई अटैचमेंट यथावत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।